बहा जिन्ना दी पकड़ी है, सिर दीजे बहाना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया, धड़ पाइए धर्म ना छोड़िए। आज हम जिन महान आत्मा की बात कर रहे हैं, उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जाना जाता है, जो मानवता की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। सभी जानते हैं कि कैसे गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया था, कैसे शुरू हुई उनकी शहादत की कहानी और कैसे हुआ अंत, मैं गवदीप आज आपको इससे अवगत कराऊंगी। हिंदू धर्म छोड़ने के लिए जब बकरों की तरह काट दिए जाते थे इंसान, मुगल काल में बलिदान के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें उंगलियों पर गिनाया जा सकता है। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर ऐसा कहर ढाया गया कि धरती कांप उठी और आसमान थरथराने लगा। औरंगजेब की सेना को सरे राह जो भी हिंदू या सिख मिलता, उसे हिंदुत्व छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता और इनकार करने पर उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती और फिर उसका सर कलम कर दिया जाता। इससे प्रताड़ित होकर कश्मीरी पंडितों का एक दल आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उन्होंने गुरु जी से कहा कि धर्म छोड़ने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत को खतरा है, जहां से हम पानी भरते हैं वहां हड्डियां फेंकी जा रही हैं, कृपया आप धर्म को रक्षण प्रदान करें। यह सुनकर गुरु जी चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने कुछ समय के चिंतन के पश्चात कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कोई महापुरुष अपना बलिदान करे। यह सुनकर पास खड़े बालक गोविंद राय जी ने स्वाभाविक रूप से कहा कि पिताजी, इस महान बलिदान के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। गुरु जी ने पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और कहा कि जाकर कह दो औरंगजेब से, यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे। गुरु जी औरंगजेब से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। औरंगजेब को उनके पल पल की खबर थी। उसने गुरु जी को गिरफ्तार कर काल कोठरी में बंद कर दिया। जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी गुरु जी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो साथ आए सिख भाइयों पर यातनाएं शुरू कर दी। हाकिम ने भाई मतीदास जी से कहा कि मतीदास, अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मतीदास जी ने कहा कि मुझे धर्म छोड़ने की अपेक्षा अपना शरीर छोड़ना स्वीकार है, और परिणाम स्वरूप भाई मतीदास जी को आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। अगले ही दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाला गया। इन भाइयों की सिखी धन्य है, धन्य सिखी है, जपजी साहिब का पाठ नहीं विसरा। देखो देखो, इनका मृत शरीर भी आवाज दे रहा है। औरंगजेब को लगा कि गुरु जी डोल जाएंगे, इन्हें इस तरह तड़पता हुआ देखकर हिल जाएंगे। अरे महान शक्तियों के मालिक परमात्मा, अतीत और भविष्य का पूर्ण ज्ञान रखने वाले मेरे सच्चे पाशा डोल जाएंगे, या उस मूर्ख बादशाह का भ्रम था। गुरु जी को स्थिर देखकर काजी ने फरमान जारी किया जो भूले नहीं भूलता। पूरी चांदनी चौक में ढिंडोरा पीटा कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को शहीद करने के लिए उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। अरे एक सज्जन पर जालिम का कहर देख उनका कलेजा मुंह में आ गया। 24 नवंबर 1675 ईस्वी सुबह करीब 10 बजे जालिम हुकूमत के पंजों से निकालने के लिए हिंद की चादर बनकर गुरुजी ने सबकी रक्षा की। जुल्मी के फरमान से लाखों हिंदुओं को तार दिया, जुल्मी के फरमान से लाखों हिंदुओं को तार दिया। एहसान हिंद की पुश्तों पर धर्म रक्षार्थ शीश वार दिया। बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यह गुरु जी की शहादत ही तो है जिसके बल पर आज हम स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं अपने धर्म रक्षार्थ हेतु कार्य कर रहे हैं। आज हमारा समाज मुगलों के अत्याचार से मुक्त हो पाया है। आज हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था और विश्वास बढ़ गया है। गुरु जी की शहादत एक मिसाल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन एक आदर्श है जो हम सबको जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए ऐसे महान बलिदानी की शहीदी दिवस पर हम सब मिलकर उन्हें शत शत नमन करते हैं।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगी, हो बलिहारी सतगुर पूरे, हो बलिहारी सतगुर पूरे, सरनी के दाते बचन के सूरे, सरनी के दाते बचन के सूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।